फ्रेंड्स वेलकम टू बैक माय चैनल। आज मैं आपसे बात करूंगी कॉक्सकॉम फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। ये कॉक्सकॉम फ्लावरिंग प्लांट है, इसको मोरूर पंख और मोरक छोटी भी कहते हैं। बहुत ही एक अच्छा फ्लावरिंग प्लांट होती है। इसकी बहुत सारी वैरायटी भी होती है, एक वेलवेट टाइप की भी वैरायटी इसमें आती है। तो ये मेरे पास सीड से उगाई हुई कुछ प्लांट है, छोटा छोटा प्लांट है, मैं इसको ही दिखा रही हूँ आपको। तो छोटी छोटी बहुत सारी प्लांट है, इसको अलग से पॉट में मुझे ट्रांसफ़र करना है। तो देखिए सीड से कैसे इसको उगाते हैं। तो मेरे पास आप एक पॉट ले लीजिए। तो मेरे पास पिछले साल की कुछ सीड्स है, तो वो सीड मैंने कलेक्ट की थी मेरी प्लांट जब फ्लावर की थी, तो उसी फ्लावर के साथ। तो ये कॉक्सकॉम फ्लावर क्या होती है, जब सूख जाती है तो हवा में इसकी फ्लावर, जो सूखा हुआ फ्लावर उड़ जाती है, उसके साथ ही सीड भी इधर उधर गिर जाती है और इधर उधर इसकी प्लांट होना शुरू हो जाती है। तो इसको कलेक्ट करने के बहुत ज़रूरी है, इसको कलेक्ट करने मैं की हूँ। और एक पॉलीथीन बैग्स में ये जो छोटी छोटी दाना है ब्लैक कलर का, ये इसकी सीड है। और जो सूखा हुआ फूल है जो देख रहे हैं वो मैं फेंक दूँगी। और ये काला जो दाना है इसको कुछ भी नहीं करना पड़ता है, सिर्फ इसको फेंक देना पड़ता है और इसके ऊपर मिट्टी थोड़ा छिड़क देंगे और पानी डाल देंगे। तो यही बहुत हल्का इसकी छोटी छोटी सीड होती है और इसकी फ्लावर भी बहुत ही हल्का होती है, तो वो हवा में सारी उड़ जाती है, उसके साथ सीड भी गिर जाती है इधर उधर। इसीलिए इसकी छोटी छोटी जो सीड है वो पॉलीथीन बैग्स में पिछली बार की वो मैं कलेक्ट की थी, और अगले साल के लिए हर एक साल मैं इसको कलेक्ट करके रखती हूँ। तो इसको थोड़ा खुरेद देना है और इसको पानी देना है। 10 दिन के अंदर ही इसकी छोटी छोटी प्लांट आ जाएंगी। और ये प्लांट बहुत ही टॉल होता है, लंबा होता है और बहुत अच्छा फ्लावरिंग प्लांट होती है। पूरा गर्मी में इसमें इसको बहुत अच्छा ये फ्लावर देती है आपको। ये विंटर में अपने आप ही ख़राब हो जाता है, सूख जाता है, तब अगले साल के लिए इसकी जो सीड है इसको स्टोर करना पड़ता है। बहुत सारा कलर का भी आता है ये प्लांट। तो 10 दिन बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसकी छोटी छोटी जो प्लांट आएगी। ये देखिए फ्रेंड, 10 दिन बाद छोटी छोटी प्लांट आई हुई हैं। इसकी जो स्टेम है वो रेड कलर की होती है, और एक वैरायटी आती है पत्तियों में रेड कलर की स्पॉट रहता है, वो भी कॉक्सकॉम की एक अलग वैरायटी है। तो ये बहुत सारा प्लांट आ गई है, इसको मैं अलग से पॉट में ट्रांसफ़र कर दूंगी। इस तरह आप सीड से बहुत ही आसानी से ये कॉक्सकॉम फ्लावरिंग प्लांट आप उगा सकते हो। ओके फ्रेंड्स, बाय।